दोस्तों, अगर आप हार्डवेयर का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप हार्डवेयर के एक्सपोर्ट के बारे में। एक सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हार्डवेयर में आपको मार्जिन्स बहुत अच्छे मिलेंगे और ये भी एक ऐसा ट्रेड है जो आप कम पैसों में शुरू कर सकते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चलती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हम सिखाते हैं अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा उस पे कॉल करिए। स्पेशली हम आपको लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब आप अपने सामने देखेंगे पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस होते हुए, कैसे होता है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है, बायर कैसे मिलेगा, सप्लायर कैसे मिलेगा, लोन कैसे मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग, यानी बेसिक से एडवांस। ये पूरा एक ही कोर्स है, ऐसा मत समझिएगा बेसिक अलग है एडवांस अलग है, पूरा एक ही कोर्स है और पूरा एडवांस तक आपको सिखाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर के एक्सपोर्ट के बारे में। हार्डवेयर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी प्रोडक्ट में चले जाओ, कहीं ना कहीं यूज़ हो ही रहा होगा। मोस्टली हार्डवेयर को हम कंसिडर करते हैं मेटल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं, इसमें सिल्वर, कॉपर, टिन, गोल्ड या किसी भी अदर तरीके का मेटल यूज़ होता है, उससे इक्विपमेंट्स तैयार होते हैं, उससे प्रोडक्ट तैयार होता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये रॉ मटेरियल हम सप्लाई कर सकते हैं और उससे फिनिश गुड्स तैयार किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के सेक्टर की, कितने तरीके के हार्डवेयर होते हैं। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं मैकेनिकल हार्डवेयर को, इसमें इंक्लूड करते हैं फास्टनर्स को, रोलिंग बियरिंग्स को, बेल्ट्स एंड चेन्स को, ल्यूब्रिकेटिंग पार्ट्स को, कीज एंड वेल्डिंग इक्विपमेंट्स को, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स को, एक्सेट्रा। अगर उसके बाद मैं बिल्डिंग हार्डवेयर की बात करूं तो इसमें आपका आ जाता है स्ट्रक्चरल पार्ट्स, बिल्डिंग डोर्स, विंडोज, हार्डवेयर एक्सेसरीज, नेल्स एंड नेट्स, प्लम्बिंग इक्विपमेंट सारे आ जाते हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सारे आ जाते हैं, ऑटोमेटिक फायर अलार्म डिवाइसेस आ जाते हैं, एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर की। अब इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर में हम बात करते हैं मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो है वायर्स एंड केबल्स, बटन्स, स्विचेस। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर्स की तो वो भी इसमें इंक्लूड रहते हैं, फ्यूजेस जो इंक्लूड रहते हैं इसके अंदर, सर्किट ब्रेकर्स इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, कंट्रोल ट्रांसफार्मर्स, सिग्नल लाइट्स, एसी मोटर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं आगे हार्डवेयर टूल्स की। हार्डवेयर टूल्स में हम सिविल टूल्स, प्लम्बिंग टूल्स, हैंड टूल्स, डेकोरेटिव इंजीनियरिंग हैंड टूल्स, इलेक्ट्रीशियन टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, पावर टूल्स, गार्डनिंग टूल्स, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं मटीरियल्स की बात करूँ तो स्टील मटीरियल्स, मेटल मटीरियल्स, नॉन मेटल मटेरियल्स और खुद स्टील भी इसके अंदर कंसिडर किया जाता है। और अगर मैं हार्डवेयर मशीनरी और इक्विपमेंट की बात करूं तो इसमें हम कंसिडर करते हैं टूल पंप्स, वॉल्स, फूड मशीनरी, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद बात करते हैं हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की, अलॉयज, मेटल प्रोसेसिंग मटेरियल्स, ऑर्डिनरी स्टील, स्टेनलेस स्टील, वायर, रोप, मेटल, स्क्रैप मेटल, ये सारी चीज़ें हार्डवेयर प्रोडक्ट्स में कंसिडर की जाती है। और जनरल एक्सेसरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपके डेली टूल्स, ग्राइंडिंग, हाइड्रोलिक, लिफ्टिंग, मेजरिंग सॉ, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, रेंच, इलेक्ट्रिक, मैनुअल एक्सेट्रा, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीशियंस के लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है भाई, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, इंस्ट्रूमेंट, चार्जर्स, मोटर्स, कनेक्टर्स, एंटी स्टैटिक केबल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। अब बात करते हैं, ये है, ये तो हो गए प्रोडक्ट की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी है।
लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर हार्डवेयर को आपको एक्सपोर्ट करना है तो हार्डवेयर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। हार्डवेयर आपको कहीं भी इजीली इंडिया में हर स्टेट में मिल जाएगा, हर स्टेट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मिल जाएगी, इवन सिटी में भी मिल जाएगी, तो एक बहुत ही आसान काम है। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की फ़ीस या लाइसेंस के अलावा, फर्म डेवलपमेंट के अलावा, तो 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार बहुत है आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अभी मैं कहूँगा अगर आप एक बिगनर हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल मत डालिए, मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो अभी एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर, एज ए ट्रेडर आप इसको स्टार्ट करिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले स्टेप की अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर हार्डवेयर की नॉलेज है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं। मोस्टली हार्डवेयर यूज़ ही हो रहे, किसी भी हार्डवेयर की शॉप में जाएंगे अलग अलग क्वालिटी के बारे में वो बता देगा और इसके यूसेज क्या है, यूसेज क्या है वो भी आपको बता देगा। अब जब आपको ये नॉलेज मिल जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फर्म डेवलप करनी है, आपको एक GST नंबर लेना है, आपको करंट अकाउंट बनाना है और आपको उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की आपको मेंबरशिप लेनी है। अब बात करते हैं इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी है। इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है eepcindia.org, नोट कर लीजिए eepcindia.org। फिर उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मेरे को ये सस्ते कहां से मिलेंगे। अगर मैं सपोज करो, अगर मैं उन्हीं स्टेट में जाता हूँ जहाँ से ऑलरेडी ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो मुझे बहुत सस्ते मिल सकते हैं। अब हम ये भी बात करते हैं कौन से स्टेट्स जो हैं इंडिया की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है इन हार्डवेयर्स को। सबसे पहले आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पे आता है गुजरात, चौथे नंबर पे आता है ओडिशा, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है कर्नाटका। अगर मैं बात करूं कि हाँ कौन से देश हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करा रहे हैं तो सबसे पहले USA इसको सबसे अच्छी क्वांटिटी में इंपोर्ट करा रहा है। उसके बाद आप नीदरलैंड को टारगेट कर लीजिए, उसके बाद आप UAE को टारगेट कर लीजिए, फिर ऑस्ट्रेलिया है जो इम्पोर्ट करा रहा है। अगर मैं बात करूँ कि इसकी टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन सी है, सपोज करिए हमारे साथ साथ और कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, मेक्सिको इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, USA भी कुछ हद तक इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, नीदरलैंड का भी कुछ पार्ट है जो इम्पोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट भी कर रहा है, जर्मनी भी इसको इम्पोर्ट भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। किसी भी हार्डवेयर का आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका HS कोड जानना बहुत ज़रूरी है, हार्मोनाइज सिस्टम कोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ें नोट कर लीजिए। हार्डवेयर का इंस्पेक्शन होता है, क्वांटिटी और क्वालिटी का इंस्पेक्शन किया जाता है, तो बायर आपसे इसका इंस्पेक्शन भी मांगेगा। अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन के अलावा तो सबसे पहली चीज़ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, टाइम मैनेजमेंट। आपको बायर के साथ वो कमिटमेंट करनी है जो पूरी हो सके, क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का खेल है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर ऐसा है कि आप हमें ऑर्डर दे दो हम माल भेज देंगे। बायर आपको एक डेट दे देगा कि इस डेट तक मुझे डिलीवरी चाहिए, तो उस डेट तक आपको डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। बहुत आसान ट्रेड है, हर स्टेट में फैक्ट्रीज आपको मिल ही जाएंगी, ईजिली कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो जाएगा और कॉम्पिटिशन भी फिलहाल इसमें कम रहेगा। और कुछ हार्डवेयर तो ऐसे हैं जिसमें जिसको आप KG में लेंगे और पीस में एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये बेनिफिट आपको हार्डवेयर इंडस्ट्री में मिल जाएगा। और इतनी वाइड इंडस्ट्री है, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ प्रोडक्ट्स ही बताए, तो खुद सोचिए वर्ल्ड में कोई एक देश जो बिना हार्डवेयर के चल रहा हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछिए, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
We'll be right back.